Okay, you see the question is very simple, and the question is a commutator changes the direction of current in the coil of a DC motor, an AC generator, a DC motor and an AC generator, a DC motor and a DC generator. सबसे पहला पहली बात तो ये है कि कम्यूटेटर होता क्या है, ठीक है, कम्यूटेटर होता ही क्या है वो समझ में आना चाहिए आपके, कम्यूटेटर यहां पर क्या चीज है। तो जो डीसी मोटर का हमने एक डायग्राम देखा था, मैं दोबारा वहीं पर लेकर चलूंगा आपको, क्योंकि ये खाली इस सवाल का जवाब डी है। एक तो तरीका ये है कि जवाब बता दिया जाए डायरेक्ट कि जवाब इसका डी है, आपने याद कर लिया। दूसरा एक तरीका और भी है कि इससे मुताल्लिक कोई और सवाल ना पूछ लें वो, तो इसके लिए इसकी डिटेल थोड़ी सी पता हो जाए आप लोगों को तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि सवाल तो रिपीट होगा इसकी इम्कान तो कम है, लेकिन अगर कम्यूटेटर के बारे में आपको चीजें पता लग जाएंगी तो बहुत उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं और जरा इसका इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ये थ्योरी इसकी आपको मिलेगी यहां, ठीक है। ये मैंने क्या दिखा रहा हूं आपको बताइए, क्या चीज है, पहचान में आ रहा है कुछ? यस सर, ये आपकी बुक है, कौन सी किताब है आपकी? एनसीईआरटी, इसके अंदर मैंने ये आपके देखिए वो कर लिया था, क्या नाम है इस पर, ये यहां पर जवाब है इस जगह इसका, ये वाला। तो सबसे पहले हम एक चीज यहां पर रिवाइज कर लेते हैं एक ही मिनट के अंदर। ये बेसिकली किस चीज का डायग्राम है बच्चों? लेफ्ट हैंड पर जो दिखाई दे रहा है ये मोटर का डायग्राम है, मोटर का ये प्रोटोटाइप, इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है। जरा ध्यान से चीजों को समझ लीजिए बच्चों। अच्छा एक मिनट, ये एक्चुअली में पीडीएफ है, अगर मैं इसके ऊपर पेन चलाऊंगा तो ये आपका क्या होता है कि परेशान करता है, तो मैं पीडीएफ को यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे चलाऊंगा पेन, तो यहाँ परेशान नहीं करेगा। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ये आपके वायर है, ये आपके वायर है, ये बात समझते हैं आप लोग? तो यहाँ पर इसके ऊपर, यहाँ पर ये जो मोटर है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी, इस वायर पर इस डायरेक्शन में लगेगी। समझ में आती है बात? ये जो आपके वायर है यहाँ पर देखिए, इस जगह पर कॉन्सेंट्रेट करिए, इस जगह पर ये जो वायर आ रहा है ना, ये इसको यहां पर जुड़ा हुआ दिखा दिया, ये यहां पर जुड़ा हुआ नहीं होगा, बात को समझिए। स्लाइड शो में ध्यान से देखिए, इस जगह पर देखिए, ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये जो बेसिकली लाइन आ रही है, मैं सबको मिटा नहीं पा रहा हूं इसके अंदर आज, स्क्रीनशॉट तो नहीं है? नहीं, स्क्रीनशॉट की बात नहीं है, ये दरअसल, चलो यहीं पर बताता हूं इसको, जरा ध्यान से समझ, ठीक है, अब तो बड़ा दिख रहा है। तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे यहां से, ध्यान से समझ लो इस वाले पोर्शन को, सुनो, देखो ये लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये कनेक्शन आ रहा है ना, ये वाला कनेक्शन, ये यहां पर जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली क्या चीज है बच्चों? ब्रश। क्या चीज है? ब्रश। ब्रश का मतलब आप वो मत समझिए कि जो टूथब्रश टाइप का होता है, वो टूथब्रश नहीं है,
बेसिकली ब्रश ये कार्बन ब्रशेज होते हैं, तो कार्बन ब्रशेज बेसिकली रेस्ट कर रहे होते हैं इस पर, ये जो आपको पी दिख रहा है ना, ये जो मैं रंग रहा हूं रेड कलर से, ये बेसिकली क्या चीज है, ये कम्यूटेटर की तरह वर्क करता है। इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। और ये नीचे से इंसुलेशन होता है, देखिए ये जो पोर्शन है ना, मैं ग्रीन से करता हूं तो आपके नजर आएगा, देखिए ये जो पोर्शन है ना ग्रीन वाला, ये जो टच हो रहा है इससे एक्सेल से, ये बेसिकली इंसुलेटर है, इंसुलेशन। तो ये जब टच होगा किस चीज पर तो ये करंट पास नहीं करेगा उसमें। तो जो ब्रश होता है वो कैसे मूव करता है, ये देखिए ये पोर्शन देखिए, ये वाला यहाँ पर एक ये ब्रश है और ये बेसिकली स्प्लिट रिंग पर है। तो ये स्प्लिट रिंग यूं घूमती है और ब्रश यूं ऊपर से रहता है, यूं टिका हुआ रहता है इसके ऊपर, ये है ना मेरा हाथ जैसे गोल ऐसे घूमती है और ब्रश अपनी जगह पर रहता है। तो ब्रश स्टेशनरी रहता है और स्प्लिट रिंग घूमती है, बात समझ में आ रही है। ये करता, ये सारी चीजें करती क्या है यहाँ पर, ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, ये मिलकर जो करंट है यूनिडायरेक्शनल का उसको बाईडायरेक्शनल बना देती है, बात समझ में आई, कैसे बना देती है, जरा बात को समझ लीजिए। ये वायर घूम के नीचे से घूम के इस जगह आ जाएगा और ये वायर घूम के ऊपर से इस जगह आ जाएगा, तो ये डी पॉइंट की जगह यहां पर ए हो जाएगा और यहां पर ए की जगह हो जाएगा डी, बात समझ में आ रही है। तो डी में तो करंट यूं आ रहा था, लेकिन जब डी यहां पर आएगा तो करंट यहां पर यूं ही आएगा, और ये वाली जो स्प्लिट रिंग है क्यू, ये घूमकर यहां आ जाएगी, और पी वाली जो स्प्लिट रिंग है ये घूमकर कहां आ जाएगी, क्यू की जगह आ जाएगी, ये दोनों घूम जाएंगी। तो ये जो बेसिकली स्प्लिट रिंग का सेट है, इसी को यहां पर डीसी मोटर में बोलते हैं कम्यूटेटर, इसी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। बात समझ में आ गई यहां पर, यहां पर क्या हो रहा है। अब एनसीईआरटी पे चलते हैं, अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, खाली क्वेश्चन नहीं, एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि एएमयू में क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। अगर ये आपकी चीज समझ में आएगी तो आपको इंशाल्लाह ताला इससे जरूर फायदा होगा। अब ये जो मैंने रंग रखा है ये वाला पोर्शन, ये आपके ये वाला, ये ए डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटर। तो यहाँ कम्यूटेटर की डेफिनेशन दे रखी है और उसके बाद क्या लिखा है, इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर। तो स्प्लिट रिंग जो होती है वही बेसिकली किस तरह से एक्ट करती है, कम्यूटेटर। याद रखिए जो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर होते हैं उसमें करंट रिवर्स करने वाले जो हमारे रिवर्स करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, करंट रिवर्स करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं या बेसिकली एपरेटस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। और वो स्प्लिट रिंग होता है, स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर बोलते हैं डीसी मोटर के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। यस सर। अब यहीं से फिर हम जनरेटर पे चलते हैं, क्या ये जनरेटर के लिए भी है? यस, ये जनरेटर के लिए भी है। जब जनरेटर का पोर्शन शुरू होता है तो जनरेटर के अंदर, यहां देखिए इस पैराग्राफ को पढ़िए जो मैंने आपके हाईलाइट कर रखा है, टू गेट ए डायरेक्ट करंट, क्योंकि हमें डायरेक्ट करंट का मतलब डीसी करंट। अभी डायरेक्ट क्या होता है उसको मैं समझा चुका हूं आपको कई बार, ध्यान से समझिए। यहाँ पर डीसी विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम, ए स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज। तो इन डीसी जनरेटर के अंदर भी होता है, बात समझ में आ गई। तो जिस तरह से ये मैंने क्या नाम है, क्या किया है कि हाईलाइट किया, अगर आप सभी लोगों के पास आई होप कि एनसीईआरटी की किताब होगी, नहीं है तो ले लीजिए, बहुत सस्ती आती है, तो आई होप कि सबके पास होगी ही पहले से। तो आप मैं कितना भी पढ़ा लूं, कैसा भी पढ़ा लूं, स्कूल में कुछ लोग कैसा भी पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, कैसे भी आपके पास नोट्स हो, कुछ भी मटेरियल हो, एनसीईआरटी को ऐसे जरूर पढ़ लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। जो बच्चे मेरी बात मान लेते हैं वो इम्तिहान के बाद कहते हैं सर आपकी वजह से हमारे 10 क्वेश्चन का फर्क पैदा हो गया है ना, 10-15 क्वेश्चन का फर्क पैदा हो जाता है। सबसे ज्यादा जो फर्क पैदा होता है वो बायोलॉजी में होता है, उससे थोड़ा सा कम केमिस्ट्री में होता है और उससे थोड़ा सा कम फिजिक्स में होता है, बात समझ में, क्योंकि फिजिक्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो अदर देन एनसीईआरटी हैं, हालांकि वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कैच करते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। मैं आपको इवन दिखा सकता हूं, ये थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, 5-6 क्वेश्चन के अगर आप मुझे देंगे तो 5-6 के 5-6 मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा दूंगा कि वो एनसीईआरटी से किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से पढ़ के आप छोटे छोटे पॉइंट बनाइए हर किसी टॉपिक के। मैं तो आपको दे ही रहा हूं जो नोट्स हैं, जो भी
लेकिन आप जब तक खुद नहीं करेंगे ना बच्चों, जब तक बेसिकली आप ही को तो देना है एंट्रेंस, वहां पे गोले आप ही को तो भरने हैं ओएमआर शीट पर, तो आपका याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वही बेसिकली हमारा एम, ठीक है ना। तो ये बात हो गई क्वेश्चन की, हम वापस चलते हैं अपनी जगह पर और हमारा जो क्वेश्चन था हम उसी जगह पर, इसको मैं बंद कर दे कर दोबारा खोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हम दिखा पाएंगे पूरा आपके। कहां पर थे हम, यहां थे, डीसी कम्यूटेटर। बच्चों क्या आंसर होगा इसका? हाँ अब पूरा व्यू आ रहा है, क्या आंसर होगा इसका? आंसर डी होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा अब यहीं पर एक सवाल मुझे बताइए, ये एसी जनरेटर जो होता है यहां पर करंट रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है? बेसिकली यहां पर जो कंपोनेंट होता है वो होता है स्लिप रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। और यहां जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं ताकि